आज हम आपको दिखाएंगे आपके घर को सजाने वाला ये जो पेंट ब्रश है किस तरह से बनता है, ये कारोबार कैसा है। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, वो हमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे इस कारोबार के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिनी फैक्ट्री विजिट करवाता हूँ कि आखिर ये तैयार कैसे होता है जीरो से लेके एंड तक। तो चलिए आइए मेरे साथ। ये है जी पेंट बनाने के लिए सबसे पहले इसका हैंडल तैयार किया जाता है। ये हैंडल जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं ये पेंट ब्रश का हैंडल है। इसको आम की लकड़ी से तैयार किया गया है, बिल्कुल अभी फ्रेश, किसी तरह की कोई वर्किंग नहीं हुई, किसी तरह की कोई इस पर प्रोसेस नहीं गुजरा। देखते हैं इस पर क्या कुछ होता है। ये सबसे पहले कटर पर इसको हैंडल को ये शेप दी जाती है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है जो यहाँ पे इसको फिनिशिंग दी जाती है, तीन चार अमल वो आपको दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। सबसे पहले जी इस हैंडल को यहाँ पे ये भाई बैठे हुए हैं, ये इसको रगड़ते हैं, रगड़ रगड़ के इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग का पहला प्रोसेस यहाँ पे है। ये इस हालत में आता है, ये आपको कैमरे में आप लोग देख रहे होंगे, इसको जब यहाँ पे रगड़ा जाता है कुछ देर के लिए तो ये इस पर थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाती है इसकी दोनों साइड्स पे। उसके बाद ही जब ये इसके साइड्स दोनों थोड़ी सी फिनिशिंग आ गई तो अब ये इसके जो कॉर्नर हैं गुलाई, इसको भी फिनिशिंग देने के लिए ये भाई यहाँ पे ये देखें जो कर रहे हैं, ये भी सेम वही प्रोसेस है, लेकिन इनका काम है कि ये इसके साइड्स वगैरह को मज़ीद फिनिशिंग देते हैं। जब यहाँ से इसको मज़ीद फिनिशिंग मिल जाती है तो आखिरी स्टेप इसका ये है कि इसके ऊपर लैकर लगाया जाता है, आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। लैकर लगाने के बाद एक दफ़ा फिर से वही प्रोसेस इसको रगड़ने का यहाँ पे किया जाता है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये भाई इसको लैकर लगाने के बाद इसको थोड़ी सी रगड़ाई करते हैं तो ये अब काबिले इस्तेमाल हो चुका है। अब यहाँ से आगे इसके आगे जो बाल वगैरह लगेंगे जो कि आपके घर को पेंट करते हैं वो सारे का सारा अमल आपको दिखाते हैं वो कैसे से होता है। ये हैं जी एक खातून के खूबसूरत बालों की तरह पोलिस्टर हालो इसे कहा जाता है, ये इस हालत में आता है, लंबे लंबे ये पीस हैं, लंबे लंबे ये बाल हैं जिस तरह इंसानों के बाल होते हैं। अब यहाँ पे इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ साइज़ में काटा जाता है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं इसकी कटिंग हो रही है। ये कटिंग करने के बाद वो जो हैंडल तैयार हुआ था वो हैंडल और एक इसका क्लिप इसको जोड़ने के लिए जो पतरी है ये फ्रेम इसके ऊपर डाला जाता है। इसके अंदर गिलू लगता है, समद लगती है तो ये आपस में बालों को जोड़ देता है हैंडल के साथ। जब ये बाल हैंडल के अंदर जुड़ जाते हैं तो मज़ीद इस क्लिप को उस हैंडल के साथ जोड़ने के लिए लड़का इसके ऊपर कील लगा रहा है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से कील लग रहे हैं। तो इस तरह ये फाइनल हो जाता है। इसके बाद आखिरी प्रोसेस है पैकिंग का, आप लोग जब पैकिंग देख रहे हैं वीडियो में इस तरह से इसकी सादी सी पैकिंग है और ये फाइनली पैक करके अब इस काबिल है कि इसको मार्केट में भेजा जा सके। तो हमारे साथ भाई मौजूद है, मैं इनसे जानता हूँ कि किस तरह अगर आप लोग ये पेंट ब्रश खरीदना चाहें तो आप लोग किस तरह से ले सकते हैं और आम जो दुकानें हैं वहाँ से और यहाँ से इन भाई से खरीद के आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कैसा हैं? माशाल्लाह जनाब वाला, मुझे ये बताएं कि ये पेंट ब्रश जो है ये कब से तैयार कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया तैयार करते हुए, आपको कितना टाइम हो गया? मुझे 30 साल हो गए। माशाल्लाह, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 38 साल। माशाल्लाह, मतलब बचपन से ये काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो हमने देखा वो लकड़ी की मुट्ठी वाले ब्रश बन रहे हैं ये, लेकिन आपके पास प्लास्टिक के भी हैं, किसी और मटेरियल के भी हैं, थोड़ी सी डिटेल दें कि आपके पास कौन कौन से पेंट ब्रश तैयार होता है। हर साइज़ का होता है, ये 1 इंच से लेके 6 इंच तक होता है, इसमें तकरीबन 10 से 15 साइज होते हैं। ठीक है, तो ये मटेरियल के बारे में बताएं, वो प्लास्टिक की मुट्ठी है, वो किसी चीज़ के, कौन कौन से मटेरियल की मुट्ठी है? इस तरह का ऑर्डर होता है ना, उसी तरह का हमारे यहाँ पीछे से ये बनाते हैं। लकड़ी वाला हो तो लकड़ी वाला बनाते हैं, प्लास्टिक वाला ऑर्डर हो तो प्लास्टिक वाला बनाते हैं। चलो बेहतरीन हो गया, मुझे बताएं कि आप लोग काम किस तरह से करते हैं, आपके कस्टमर कौन है, आपसे खरीदता, थोड़ी सी ये डिटेल दें ताकि दोस्त जो देख रहे हैं वो जान सकें कि आपसे फायदा क्यों होने वाला है उन्हें। जी ये हम लोग जो बना रहे हैं ये पेंट वाली दुकान पे हम लोग सेल करते हैं। सेलमैन लगे हुए जी, हमारे ये सेलमैन है, वो जाके सेल करते हैं, हम इधर बनाते हैं। चलो ठीक हो गया। आप बैठे हुए हैं सियालकोट में, एक बंदा इस्लामाबाद से है, कराची से है, कहीं से भी है, क्या उसको कुछ फायदा मिल सकता है आपसे, वो कोई माल ले सकता है वो? जी बिल्कुल ले सकता है।
चलिए बेहतरीन हो गया। मुझे ये बताएं कि आप लोग, अगर कोई बंदा कहता है मुझे इनकी सेलमैन ही करनी है, फॉर एग्जांपल एक बंदा कराची से है, वो चाहता है कि मैं पेंट ब्रश का काम करूं, सेलमैन ही शुरू कर लूं, या कोई कराची का होलसेलर है बड़ा, वो चाहता है कि मैं इकट्ठे ब्रश आपसे खरीद लूं, तो मिनिमम कितनी ऑर्डर क्वांटिटी आपको देना पड़ेगा, 10, 50, 100, कितने ब्रश वो मंगा सकता है मिनिमम? हमारे पास सेलमैन है ज्यादा, तो सेलमैन तकरीबन 20 से 50 या इससे ज्यादा लेते हैं। मतलब मिनिमम 20 जी, 20 आप बिल्टी करवा देंगे? जी जी, एक कार्टन 24 का होता है, ठीक है, 18 का भी होता है, फिर वो जैसा ऑर्डर होगा वैसे ही हम भेज देंगे। चले बेहतरीन हो गया। कोई नहीं मतलब कि आप 100 या 200 डब्बा लेंगे, जितने भी कोई लेता है ना हम दे देते हैं। एक अगर घर में चाहिए हो कराची में, एक भी भेज देंगे? नहीं, एक तो खैर नहीं जाएगा। मतलब बिजनेस करने के लिए ही हमारी वीडियो है, बिजनेस करने की, तो जो दोस्त बिजनेस करना चाहें या जो दोस्त बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी दोस्त की जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उसकी पेंट की दुकान है, तो उनके लिए बड़ी अच्छी वीडियो है, आप इन भाई से रब्ता कर सकते हैं। सर रेट की बात की जाए तो रेट तो जो पाकिस्तान का लात है ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन आइडियल बता दें, आपने जिक्र किया 1 इंच 2 इंच 4 इंच मुख्तलिफ साइज है, तो आइडियल रेट दें, आजकल क्या रेट चल रहा है? ये एक पीस का जो हम लोग ये बना रहे हैं ये वाला, तकरीबन इधर से हम लोग 200 रुपए का सेल कर रहे हैं इधर से, ये सेलमैन को, सेलमैन को, सेलमैन आगे जाके 20, 50, 30 जितने उसकी को बचत बनती है वो बेचता है, फिर दुकानदार कह के वो कस्टमर को कितने का देता है, ये अब उसकी मर्जी है। 300 रुपए तक मार्केट में चला जाता है, 280। मेरा तजर्बा है कि 300 तक। क्या साइज है इसका? ये 5 इंच डबल है, डबल में। ठीक हो गया। मतलब अगर यार एक बंदा है उसकी दुकान है पेंट की, तो आपसे अगर वो 200 रुपए का ये खरीदता है तो मार्केट में वो लोकल कस्टमर को मेरा ख्याल है 250 रुपए का इजिली सेल कर सकता है। 300-400 तक भी दुकानदार जो है ना बेच देते हैं, वो हमसे ज्यादा डबल कमाते हैं। अगर वो 200 की चीज ले रहे हैं वो 400 की बेच रहे हैं। अच्छा, मैं परचून की बात हूँ। जी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर एट द एंड हमारे दोस्त जो खरीदना चाहें या जिनका जेन हो गया आपसे रब्ता करना है, किस तरह से रब्ता कर सकते हैं, ताकि अपना नंबर दे दें, अपनी डिटेल दे दें? जी, इसका यही है कि हम अपना नंबर दे देते हैं स्क्रीन पे, तो वो हमसे रब्ता करें, जितना भी ऑर्डर होगा इंशाल्लाह उनको मिलेगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, अपना तावन किया, बहुत बहुत शुक्रिया, फी अमानल्लाह, रब रखा।